हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी रिम झिम भाग तीन में पाठ दस। और पाठ का नाम है बच्चों क्योजिमल और कैसे कैस लिया। ठीक है, तो बच्चों इस पाठ में क्या होता है कि इस पाठ में दो दोस्त रहते हैं। ठीक है, एक का नाम रहता है क्योजिमल और दूसरे का नाम रहता है कैसे कैस लिया। ठीक है, तो इस पार्ट में होता क्या है कि एक दिन कि जब भी कोई इन लोगों को मिलता है तो ये क्यों क्यों और कैसे कैसे पूछते रहते हैं। तो एक दिन इन्हें रास्ते में गुरुजी मिलते हैं, तो बच्चों ये उनसे पूछने लगते हैं कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। ठीक है, और अंत में क्या होता है कि गुरुजी वहाँ से इनसे परेशान होकर के वहाँ से चले जाते हैं। तो चलो आओ पाठ शुरू करते हैं। इनसे मिलिए, ये हैं क्योजिमल, बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों, भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं, पता नहीं क्यों। ठीक है, जो इस पाठ के कवि हैं बच्चों सुबीर शुक्ला जी। ठीक है, इस पाठ के जो कवि हैं सुबीर शुक्ला जी, वो कह रहे हैं कि ये हैं क्योजिमल, और बात बात पर जो क्योजिमल हैं वो बात बात पर क्या पूछते हैं, क्यों क्यों, कि भले ही आप उनसे आपसे जवाब देते बने या नहीं बने। ठीक है, आपके पास उत्तर है या नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों ये बार बार पूछते रहते हैं क्यों क्यों। ठीक है, आगे है, ये हैं उनके दोस्त कैसे कैश लिया। और दूसरे हैं बच्चों, या चित्र में आप लोग देख रहे होंगे दो बच्चे हैं। ठीक है, तो जो दूसरे हैं वो हैं कैसे कैश लिया। ठीक है, उनका नाम है, और ये भी कोई कम नहीं है, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। ठीक है, इनको भी अगर बोलने का मौका दिया जाए तो ये भी पूछने लगते हैं कैसे कैसे। ठीक है, देखो भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप। कि अगर कवि कह रहे हैं बच्चों सुबीर शुक्ला जी कह रहे हैं कि अगर कभी हम अगर गलती से इन्हें मिल जाएं, भूले भटके अगर कभी इन दोनों से हमारी मुलाकात हो जाए एक साथ, तो ये क्यों और कैसे के बीच ही हमको भटकाते रहेंगे कि क्यों हुआ, कैसा हुआ। ठीक है, ऐसे ये आप हमसे पूछते रहेंगे क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। पढ़िए और पता कीजिए कि आखिर ये ऐसा क्यों बोलते हैं। ठीक है, अब एक दिन क्या होता है बच्चों कि एक दिन गुरुजी रास्ते से जा रहे होते हैं, तो अचानक से क्योजिमल और कैसे कैसे लिया उनसे मिल जाते हैं। गुरुजी नमस्ते, किधर चले। ठीक है, दोनों क्या करते हैं, गुरुजी को नमस्ते करते हैं और पूछते हैं कि किधर चले। नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूँ। अब गुरुजी कहते हैं बच्चों नमस्ते और मैं बाजार जा रहा हूँ, तो कहते हैं बाजार क्यों क्यों क्यों। जो क्योजिमल लेता है वो कहता है कि अरे बाजार क्यों क्यों क्यों। ठीक है, तो गुरुजी कहते हैं कि गेहूँ पिसवाना है इसलिए, कि मुझे गेहूँ पिसवाने हैं इसलिए मैं बाजार जा रहा हूँ। तो केशलिया कहता है बच्चों कि कैसे कैसे कैसे, कि कैसे गेहूँ कैसे पिसवाने। तो कहते हैं, गुरुजी कहते हैं कि साइकिल पर वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। कि गुरुजी कहते हैं बच्चों कि मैं तो वैसे पैदल निकला, साइकिल पर निकल रहा हूँ, लेकिन घर से मैं वैसे पैदल निकला था, तो रास्ते में कोई व्यक्ति है शिवदास, वो मुझे मिला और उसने क्या किया, अपनी साइकिल अपनी गाड़ी मुझे दे दी। अच्छा, गेहूँ पिसवाना है क्यों क्यों क्यों। तो क्योजिमल पूछता है बच्चों गुरुजी से
कि अच्छा तो आपको गेहूँ पिसवाने हैं, क्यों पिसवाने हैं गेहूँ, क्यों क्यों क्यों? तो बच्चों गुरुजी कहते हैं अरे आटा जो चाहिए, ठीक है, गुरुजी कहते हैं अरे आटा नहीं चाहिए, जो आटा चाहिए होता है इसलिए गेहूँ पिसवाने जा रहा हूँ। पिसवाना कैसे कैसे कैसे? तो कैसलिया कहता है बच्चों कि गेहूँ पिसवाने हैं, कि कैसे पिसवाने हैं गेहूँ, कैसे कैसे कैसे, ठीक है। चक्की में भाई, तो गुरुजी कहते हैं बच्चों कि चक्की में पिसवाने हैं, चक्की में भाई आटा क्यों क्यों क्यों? तो क्यों क्योजिमल कहता है कि आटा क्यों पिसवाना है, आटा क्यों भैया, रोटी नहीं बनाएंगे। तो बच्चों गुरुजी कहते हैं कि हम रोटी नहीं बनाएंगे, रोटी कैसे कैसे कैसे? तो कैसलिया कहता है बच्चों कि रोटी कैसे कैसे कैसे, कि रोटी को कैसे बनाएंगे, अरे आटे को सानेंगे बेलेंगे तवे पर पकाएंगे, ठीक है। तो गुरुजी कहते हैं बच्चों कि रोटी कैसे बनाएंगे, हम आटे को पहले सानेंगे फिर बेलेंगे और फिर हम क्या करेंगे, तवे पर पकाएंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद आग पर फुलाएंगे, सानेंगे कैसे क्यों क्यों क्यों, ठीक है। तो क्योजिमल कहता है बच्चों कि सानेंगे आटे को, सानेंगे क्यों क्यों क्यों, क्यों आटे को सानेंगे, ठीक है। सुनो सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, क्योंकि जो सना हुआ आटा रहता है उसमें थोड़ा पानी रहता है, इसलिए हम क्या करेंगे, रहता है, और आग पर तपाने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है। और क्या करता है बच्चों ये सना हुआ आटा, क्योंकि इसमें थोड़ा पानी रहता है और जब हम रोटी को आग पर पकाते हैं तो यही पानी भाप बनकर क्या करता है, रोटियों को पकाता है, ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, आटे को सानेंगे, ठीक है। तो कैसलिया कहता है बच्चों सानेंगे कैसे कैसे कैसे, कि आटे को कैसे सानेंगे। तो गुरुजी कहते हैं कि तुमने कभी देखा नहीं है क्या, परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे, पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे, समझे। तो बच्चों गुरुजी उन्हें बताते हैं दोनों को, क्योंजीमल और कैसे कैसलिया को बताते हैं कि आटे को कैसे सानते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि आटे को परात पे निकाल लेंगे, ठीक है, उसमें चुटकी भर नमक डालेंगे और फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए उसको सानना शुरू करेंगे। पहले सारा आटा बिखरेगा, जब हम आटे को सानेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, वो आटा बिखरेगा, फिर क्या करेंगे, आटे को समेटेंगे और अच्छे से फिर उसको अच्छे से सान लेंगे। अच्छा परात पर क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे? तो उसके बाद बच्चों वो दोनों कहते हैं, क्योंजीमल और कैसलिया कहते हैं कि अच्छा परात पर क्यों और कैसे कैसे कैसे? तो गुरुजी कहते हैं बच्चों कि तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी क्यों क्यों क्यों, बंद हो जाएगी कैसे कैसे कैसे, ठीक है। तो गुरुजी उन बच्चों को कहते हैं बच्चों कि तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो जो मेरे आटे की चक्की है वो बंद ही हो जाएगी। तो क्योंजीमल कहता है बच्चों बंद हो जाएगी क्यों क्यों क्यों, और कैसलिया कहता है बंद हो जाएगी कैसे कैसे कैसे, लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार फुर हो चुके थे, ठीक है। लेकिन तब तक क्या होता है, जब तक वो दोनों ऐसे आपस में बातें करते रहते हैं तब तक गुरुजी वहाँ से साइकिल कर पर बैठकर सवार होकर के फुर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पाठ हमारा यहाँ पे समाप्त हो जाता है।